धक्का दे करके बजरंग दल वालों मस्जिद में घुसा, मीनार पर चढ़ा, वहाँ पर लोंडा लोगों जो है कि मतलब हाथ पर हाथ दे करके जो कि कसम खाया ये काम करना है, मस्जिद में घुसेंगे तो क्या उन लोगों हमें छोड़ देगा। तो ये लोग नारे लगा रहे थे, मस्जिद के पास गए, बोले हम इस पे झंडा गाड़ेंगे। अच्छा, आप विश्वास न करे तो वहाँ पे जो फोटेज लगे हुए सीसी कैमरे उनमें से आप निकाले। कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करे, ना उनके माथा पर लिखा है कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, अल्लाह वही है, भगवान वही है। नमस्कार, मैं हूं शशांक शर्मा और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज़। तो आप देख सकते हैं ये वही जगह है मेरे पीछे जहां कल घटना घटी है। कहा जा रहा है अजान के समय ये हुआ है कि यहां रैली निकल रही थी हिंदुओं की हनुमान जयंती को लेके, और हिंदुओं का कहना है कि पहले पथराव चालू हुए, पर वहीं जो है मुस्लिम संगठन है उनका कहना ये है कि नहीं, पहले गाने बजाए गए, कहा यह गया देश में रहना है तो राम राम कहना है। आप देख सकते हैं किस तरह से अब शांति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पुलिसकर्मी सारे तैनात हैं, वहीं सुरक्षा बल काफ़ी है। अभी यहाँ तो जहाँ घटना हुई थी वो बात है, अंदर की तरफ और भी है, धारा 144 यहाँ लगा दी गई है, पर आप देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ें शांति में लाई जा रही हैं। और वहीं अंदर कहा जा रहा है कि जो भी अंदर मुसलमान संगठन है वो सहायता कर रहा है शांति बनाए रखने में। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जिन्होंने घटना होते हुए देखी है, और उनकी हम इस पर राय जानते हैं कि हुआ क्या था, क्या देखा उन्होंने। जिम्मेदार आदमी हो तो ये पूरा चक्का जाम क्यों कर रहे हो, गाड़ी क्यों ना चलने दे रहे हो, थोड़ा जो कि मतलब कि आप ऐसा जो कि चलिए एक लेन बनाई करके चलिए एक तरफ से गाड़ी निकलने दो। क्यों कि अगर कोई पेशेंट जो है कि चले गया और की हालत ज्यादा खराब रह गया तो यही मर जाएगा। अच्छा, तो आप थोड़ा रास्ता क्लियर करिए। चलिए ठीक है, इन बातों को सबके हाथ में तलवार है, गरासा है, मतलब इस तरीके का कि मत पूछिए। हमने अब सोचा कि ये कहीं ना कहीं बुझा रहा है कि कुछ ना कुछ करेगा इन लोगों, ये क्यों ऐसे कर रहा है, एक पुलिस भी नहीं थी। तो इसके बाद वहाँ से जो कि ये खत्ते के पास आया, ये खत्ता छोड़ के वो खत्ते के पास। अच्छा। ये खत्ता छोड़ के वो खत्ते के पास। अच्छा, ये मतलब कि आन करके वहाँ पर लोंडा लोग जो है कि मतलब हाथ पर हाथ दे करके जो कि कसम खाया, कसम खा रहा कि ये काम करना है, ये काम करना है। अच्छा। ये काम जो कि करना है, तो उसी में जो आर लड़के हैं वो लड़का जो कि कह रहे हैं कि अगर जो कि मतलब कि मस्जिद में घुसेंगे तो क्या उन लोगों हमें छोड़ देगा। समझ गया, ये मैं किसी का सुना नहीं, अपना सुना बता रहे हैं, मेरा ऊपर वाला जनता है। और जो कि ये बात में भी जो कि हमने बातों को जो कि मैं अफवाह फैलाई नहीं, मैंने हम दिल की बात दिल्ली में रहेगी। हाँ जी, अगर जो कि मोबाइल भी होता तो मैं वीडियो जो है कि मैं कर लेते हैं, अब वो वीडियो सच्चाई आप लोगों को जो कि हम दिखाते हैं। यहाँ मुसलमान की गलती जो बता रहे हैं, मुसलमान की एक पैसा गलती नहीं है। ठीक है, हमेशा निकलता है, हर साल निकलता है, रैली निकलता है, कोई भी जो कि मुसलमान का बच्चा कोई टच नहीं करता है। एक बार जो हुआ कि दो बार जो है कि ये ने जो कि निकले बजरंग दल वाले ने। अच्छा, दो बार निकले बजरंग दल वाले जो कि रैली मतलब कि यूं निकाल लिए, निकाले कोई नहीं, अपने रोड किसी के बाप का नहीं है, अपना जा रहे हो आ रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक जो है कि ये मतलब कि साढ़े छह बजे कल जो है कि देखा कि अफ्तारी की टाइम है इनका, रोजा खुलने का नमाज की टाइम है। तो जो है कि उनने जा करके जो है कि क्या किया कि मस्जिद के जंग जो कि स्पीकर खोल दिया। अच्छा, तेज आवाज में कि अब इनके अफ्तारी का टाइम है। तो जाकर के अंसार भाई को जो उठा करके ले करके गए हैं वो गुनाह है, बेकसूर है, और वो कहते हैं कि ये गोली चलाए, हमारा जिम्मेदार आदमी जो कि गोली चलाएगा मारेगा, ये गलत जो कि कर रहे हैं, और उसको जो मैन बना रहे हो जो कि गलत कर रहे हो। दोनों तरफ पर जो कि होना चाहिए, हिंदू भाई कहाँ है जो बदमाशी जो है कि किया, जो बदमाशी किया, बजरंग दल वाले कहाँ है, उनको जो कि पकड़िए, उनको भी उठाइए। खाली मुसलमान को घर घर से उठा के लेके जा रहे हो, सारे कोई काम पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ये जो कि बिल्कुल क्यों ऐसे कर रहे हो। अगर फिर पुलिस घुस रहे, पब्लिक खुंदक में आएगा, वो ईट अद्धा मारेगा, फिर क्या कहोगे कि बंगाली मुसलमान जो कि मतलब खराब है। अच्छा, मतलब आप पे ये कहा गया। हाँ, तो ये जो है कि मतलब हाँ, कि ये बंगाली, ये मुसलमान, बांग्लादेशी, हाँ, जो कहा, हाँ, जाता है ये सब बोला। हाँ, हाँ, ये सब जो कि बोलते हैं कि ये लोगों जो कि मतलब कि जो कि गलती करते हैं, मुसलमानों जो कि गलती करते हैं, ये मुसलमानों जो कि गलती बिल्कुल जो कि नहीं किया है। ठीक है, ये किया बजरंग दल वालों ने, और मस्जिद के जंग जो की जा करके स्पीकर बजाने के पर वहाँ मना करने के बावजूद कि जो है कि बाबू यहाँ अभी जो है कि हमारी दो बार आप गए हो आए हो, हम कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन जो है कि हमारी अब अफ्तारी की टाइम है, नमाज की टाइम है, सो यहाँ पर से जो है कि आप जो है कि थोड़ा आगे बढ़ा लो, उधर चले जाओ,
स्पीकर कम कीजिए, तो वहाँ पर उन्हें दंगा करने लगा। पर कहा ये जाता है यहाँ मस्जिद के, सुनिए हम आपको जो कि हम बताते हैं, तो जो है कि वो ने जो कि ये जो क्या कहते हैं अंसार भाई उसको जाकर के समझाया कि अंसार भाई कौन है, यहाँ का जिम्मेवार है वो भी। अच्छा। कुछ वो भी जो कि जिम्मेवार है यहाँ का, कोई सी दंगा ना होने देता, कोई सा झगड़ा नहीं होने देता। अच्छा। समझ गए। तो वो बोला कि बाबू जो कि यहाँ से जो कि आप लेकर को उधर चले जाइए, जो कि मतलब जो कि यहाँ पकाए के लिए जो कि नमाज पढ़ना हम लोगों का जो कि ये हो जाएगा। दो बार आप लोग आए हो गए हो, इतना शोर में बजाए हो, कुछ बोले इधर हमारे नमाज की टाइम है, ठीक है। उनको जो है कि धक्का जो है कि दे करके और वो मस्जिद में छड़पा, मस्जिद में जो कि छड़प के वो चढ़ा मीनार पे दो बंदे। अच्छा। और बाकी जो है कि मस्जिद के गेट में लात मार रहे हैं, जो है कि उधर जो है कि इस अलमारी में जो कि ये मार रहे हैं सब, ये बंदूक लेकर के गोली और ये क्या कहते हैं चाकू। अच्छा। तलवारों ये लेकर के कभी जो है कि बजरंग दल वाले जो है कि निकले थे, आज जो कि उनको लड़ाई करने का जो है कि मतलब ये था साजिद था, जब भी तो बहुत साजिद थे जो कि निकले। क्यों निकले मस्जिद में, क्यों घुसोगे आप? अपना रोड है, रोड में आप जाइए आइए कुछ भी करिए, उससे जो कि कोई मतलब नहीं है, कोई मसला पे नहीं है। लेकिन इसके जो है कि बेजूद आप बजपते जा करके मस्जिद में घुस करके आप जो है कि झंडा हाथ में लेकर के जा रहे हो मीनार पर झंडा लगाने, ये कितनी बड़ी की गलत है। उस समय पर जो कि वो मीडिया वाला भी जो कि नहीं था, मीडिया वाले भी तो उस समय पर नहीं थी, उस समय पर तो पुलिस भी जो कि नहीं थी, उस समय पर जो कि पुलिस भी जो कि नहीं थी, मगर जो कि इस तरीके से मतलब कि जो कि यह हंगामा आज ये किया है ये बजरंग दल वाले, बहुत गलत जो कि किया है। हमारे जहांगीरपुरी में कभी जो कि सर नहीं हुआ, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, देखिए सामने हिंदू रह रहे हैं हमारे जो कि यहाँ, ये अंदर हमारी बहुत गौरव है, हमारी बहुत शान है कि हमारे मोहल्ला में हमारे हिंदू रह गए, हमारी बहुत शान है, बहुत गौरव है कि मेरा हिंदू भाई। पर कहा ये जा रहा है कि जब वो पहुंचे थे सबसे पहले पथराव यहाँ से चले, क्या है इस पे? ये पथराव जो है कि पहले वो ने किया, वही तो बताया तो मैंने कि मतलब कि जैसे जो कि उसको समझाया वो ने जो कि धक्का दे करके बजरंग दल वालों मस्जिद में घुसा, मीनार पर चढ़ा, लोगों को वहाँ मालूम जो है कि हुआ, सब जो है कि दौड़े। जब हल्ला, आप सर हमें मरिएगा मर खाते रहेंगे क्या? आपको कोई मारेगा तो मर खाते रहिएगा का? तो ये पथलाव जो चला है, सुनिए पथलाव जो चला है तो न छत से चला न कहीं से, जमीन में पत्थर सब था, उन लोगों भी पथलाव किया, बजरंग दल वाले ने, बजरंग दल वाले भी जो कि पथलाव किया तो इन लोगों भी किया, इन लोगों जो भी किया, ये बजरंग दल वाले भी जो कि पथलाव किया है, तलवार जो है कि मतलब कि नू 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 करके जो कि दिखा रहे और जो ये कर रहे हैं, चाकू जो है कि दिखा रहे हैं, तो सर जो है कि ये बात सब जो है कि मतलब कि गलत है, ये बहुत जो है कि गलत जो कि किया है, कोई जो है कि ये नहीं है। आप यहाँ पर से ये महल संत होना चाहिए। हाँ, ये हम लोग चाहते हैं कि आप ये महल यहाँ पर से संत होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। आप क्या पर इन लोग, आप पुलिस कर्मियों की आर्मी की क्या सहायता कर रहे हैं शांति बनाए रखने में? क्या यहाँ शांति आपने इनकी मदद करी है शांति बनाए रखने में? हम तो राज से मदद कर रहे हैं। तो आप इनकी पूरी मदद मतलब कर रहे हैं कि यहाँ शांति बनी रहनी चाहिए? शांति रहना चाहिए सबको, जो कि मतलब जो भी जो कि लोग आते हैं उसको अंदर जो कि घुसाते हैं। आप यहाँ के जो इस समय रूल्स चल रहे हैं, धारा 144 चल रही है, क्या आप उसका पूरा सहायता दे रहे हैं उन्हें? हाँ, मतलब कोई भी आप लोगों से तो कोई गलती नहीं हो रही है? नहीं हो रही, यहाँ आपको जो कि गलती नहीं, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो कल जो कि हो गया। अच्छा। कि हम संत मनाना चाहते हैं, संत ही होना चाहिए कि जैसे थे वैसे ही जो ही की रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करे, ना उनके माथा पर लिखा है कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, अल्लाह वही है, भगवान वही है। तो देखिए कैसे यहाँ इस समय सब पुलिस कर्मियों का, हमारे सुरक्षा बलों का यहाँ सहायता कर रहे हैं कि यहाँ शांति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कल रात माहौल काफी खराब था और देखा जाए अभी भी काफी यहाँ शांति बनाने में यहाँ के पुलिस कर्मी और आर्मी से और हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं सब यहाँ इतनी मदद कर रहे हैं। आज हम जहांगीरपुरी में हैं और यहाँ एक चाचा मिले हमें जो बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था, हालांकि इन्होंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है क्योंकि इन्होंने बस भगदड़ होते हुए देखी थी और उसके आगे ये आपको बताएंगे, आप बताइए। मेरा नाम अब्दुल बारिक है, मैं यहाँ पर प्याज की रेड़ी लगाता हूँ और ये जो भगदड़ हुई कल शाम 6 बजे करीब, जो कुछ लोग आए हुए थे, हाँ जी, तो ये लोग नारे लगा रहे थे, मस्जिद के पास गए, बोले हम इस पे झंडा गाड़ेंगे, तो लोगों ने विरोध किया, उसके बाद से क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, सुनने में आया पथराव हुई है, ठीक है, और ये लोग जबरदस्ती घुस के झंडा लगाना चाह रहे थे, भगवा झंडा,
तो उन्होंने विरोध किया, बस इसी पर बात पर बढ़ गई बात। सुनने में आया काफी लोग घायल हुए हैं, क्या आपको पता है ये बात आपके एरिया से या गली से कोई घायल हुआ है? बस एक ही लड़का घायल है, बाकी को किसी को हमने देखा नहीं, झूठ बात बोल नहीं मजा आता। तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे से हमें बताया कि एक ही लड़का घायल हुआ है और हमें कहीं ना कहीं गलत खबरें भी आ रही हैं कि क्या क्या हुआ है। हाँ जी, बहुत ज्यादा अफवाह उड़ रहा है, यहाँ अफवाह उड़ मार दिया तो मुसलमानों ने मार दिया, हिंदू को तो ऐसे कर दिया, गाड़ी जला दी। हालांकि गाड़ी उन लोगों ने जलाया जो भगदर हुआ, उसमें गाड़ी जली, जो जो आए थे गाड़ी लेकर के और डीजे लेकर के, जब वो उन लोगों ने भगदड़ किया ना, जब आपको विरोध कर दिया गया कि भाई यहाँ पर आप मस्जिद है थोड़ा देर के बाद, मस्जिद वालों ने रोका बट वो घुसना चाह रहे हैं आपका ये कहना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो माने नहीं, उसके अच्छा ऊपर भगदड़ हो गई। अब इन लोगों का कहना है कि लोग पथराव किया, हमने तो देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या आपका आपको लगता है कि ये हुआ होगा? हुआ तो क्योंकि हमने मतलब बहुत लोगों का कहना ये है कि पहला पथराव आपकी कम्युनिटी से चालू हुआ कि मुसलमान संगठन ने कर दिया, ये तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि मैं देखा ही नहीं, तो कैसे बोलूंगा। अच्छा, हाँ ये है कि भगदड़ होते हुए देखा। अच्छा, हाँ भगदड़ हुए देखा, और जब आप एक समुदाय को मना कर रहा है, अगला नहीं मान रहा है, हाँ जी, तो मजबूरन हम लोग अपने जान बचाने को करना पड़ेगा। अच्छा, वही करना पड़ा है और कुछ नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति बनाई गई, अब सारे पुलिस वाले और सारे संगठन आ गए हैं यहाँ, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किया है कि वो, तो आप शांति बनाने में इनकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा एरिया ये शांति बनाने में मदद कर रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं है, एकदम शांत है, झगड़ा हुआ वहाँ चौक पे। अच्छा, यहाँ हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग शांत है, सब एक जगह, ये भी एक हिंदू है बेचारे, आज से नहीं काफी दिन से साथ में है। अच्छा, हम लोग सब मिलजुल के कारोबार कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, उनसे पता करो आप। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम तस्लीम है। ओके, हाँ जी, मैं यही रहता हूँ। बता सकते हैं कि कल कैसे हुआ, क्या आपने देखा था वैसे होते हुए? सर ये ऐसा है ना, ये रैली तो निकलती है, हाँ जी, जो ना एक ही रूट से तीन तीन बार रैली नहीं निकलती। वो कह रहे थे कि पहली एक बार रैली गई, दूसरी रैली गई, तीसरी रैली पे हमला हुआ। हाँ, उस पे ये नारा था कि हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है, तो उस बात पे जो है ये बात बिगड़ी है, उस बात पे ये बात बिगड़ी, जो पत्थरबाजी हुई है ये है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ जी, बजती, आप जब तक कुछ नहीं कहोगे तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। तो इस पे कुछ सरकारों का कोई बयान नहीं आ रहा और ओपोजिशन अपना पीछे हट रहा है, कोई इस पे कुछ बोलना नहीं चाह रहा? सर बयान क्या, आगे रैली जा रही है, पीछे जो है पुलिसकर्मी की जीप जा रही है, सब कुछ जा रहा है, उनके होते साथ सब कुछ ये हो रहा है, सब कुछ हुआ उनके साथ। तो उनके सामने हूँ, आप कहना चाह रहे कि उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ, मतलब रोका नहीं गया ये? ना ना, अगर चाहते तो रोकते, आगे होते, उन पर क्या चीज नहीं थी, सब कुछ था। पर आज यही लोग शांति बनाए रखे हुए हैं, क्या आप इनकी पूरी मदद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल मदद कर रहा, देखो ना आपको यहाँ इतनी, अगर ये नहीं होते तो जाने कितना बवाल होता है यहाँ पे। कुछ आपको लगता है और कुछ क्या देखा, या बहुत अफवाहें हैं कि बहुत लोग मरे या कुछ ऐसा बड़ा सुनने में आ रहा है, क्या बात है? मरा कोई नहीं, घायल हुए हैं और गिरफ्तारी भी हुई है, जो भी 10-15 हुई है। अच्छा, 10-15 वही है? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। तो ये कैसे, मतलब जब यहाँ से, क्योंकि हमें सुनाई जो दिया और दिखाई जो दिया, लोग बोल रहे हैं जो उन्हें दिखाई दिया कि तीसरी रैली निकल रही थी और मुस्लिम संगठन ने ऐसे पत्थर फेंक दिए, तो ये क्या ऐसा हुआ सर? सर ऐसा ना, जहाँ से रैली निकली आप वहाँ पे जाएं, मेरी बात पे विश्वास ना करें, तो वहाँ पे जो फोटेज लगे हुए सीसीटीवी कैमरे उनमें से आप निकाले तो आपको मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप वहाँ पे जाके देखें इस बात, पीछे रोड पे है ये जो है सिटी पार्क का है, और उधर बी और सी है। ओके, तो उससे निकल रही थी ये रैली। अच्छा, वहाँ से तो उनका नारा यही था, हिंदुस्तान में रहना है और जय श्री राम कहना है, तो उस बात पे ये बात एक लेडीज के सामने बोला उन्होंने, तो उनके हाथ में सब कुछ था, तलवार है, चाकू, डंडे, छुरी सब थी रैली के अंदर। ये भी कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि इतने पत्थर आए कहाँ से, क्या ये पहले सोचा हुआ था या क्या आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दिखा रहा है कि पत्थर कहाँ से आए, जब आदमी में पथराव होता है तो दुनिया भर के पत्थर है, चाकू थी, बाहर पिस्तौल थी, सारे कुछ थी। अच्छा, जब मस्जिद के ऊपर हमला करने के लिए वो सोचा, जब ही तो ये बात बढ़ी है, नहीं तो नहीं बढ़ती। यानी ये बात हम एक बात, हम लोग रोजे से हैं, ठीक, रोजे के अफ्तार के टाइम में ये हमला हो रहा है, तो पथराव कैसे कर सकते हैं हम लोग?
हम अपना ईमान देखें या पथराव करें, ये बताओ। यानी पथराव नहीं हुआ? नहीं हुआ, हमारे कहने से तो नहीं हुआ। अब हुआ, पथराव हुआ भी तो है, तो पत्थर उनके उन्होंने अपने पास में रख के रखे रेली में साथ में ही पत्थर थे। अब रोजे के टाइम पे इंसान पत्थर ढूंढेगा या अपनी रोजे अफ्तारी का सामान खरीदेगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो पथराव पत्थर उनकी रैली में भी थे। आपके भी धर्म का इज्जत हो और मेरे भी धर्म का इज्जत हो। आप अपने धर्म से इतने दिन से हम लोग मना रहे हैं, कभी कुछ हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज एक बैग ऐसा क्यों हो गया पता नहीं। आज 40 साल तक हम लोग एक साथ थे, कल ऐसी बात हो गई, हम लोग को ये समझ से बाहर है। हाँ, आपका कुछ इस पे कहना है? क्या आपने देखा था? मुझे पता नहीं, वो नेवा के काम में ना कबाए करा तो मानने लगे। देख सकते हैं आप यहाँ कैसे माहौल बना हुआ है, कितना एक डर का भी माहौल है और कहीं ना कहीं लोग भी कितने परेशान हैं। ये हिंदुस्तान में ये चीज़ होना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा माना जाता है और हमारी कंट्री ही इसी चीज़ पर खड़ी है कि हमारे यहाँ कितने ही जात रिलीजन सब साथ मिल के रहते हैं, और आज ऐसा देखना बड़े ही शर्मनाक की बात है। बताना चाहेंगे आपने कुछ या कुछ पता चला हो बाहर से क्या हुआ है क्या नहीं? हम सब तो यहीं बैठे थे, बस अचानक हुआ, अल्लाह हुआ, हम लोग अपना घर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पथराव हुए, क्या ऐसा कुछ हुआ था? ये सब हमें पता नहीं है उतना, हम तो जैसे आवाज है अपना सब घर में चले गए। तो ये होना आज से पहले नहीं हुआ और एकदम हुआ, पहले फिर इस पे कुछ कहना चाहिए? क्या ऐसा क्यों हुआ एकदम ही? ये तो वही जाने, हम लोग क्या जाने कि आपकी तरफ से यानी कुछ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल कोई पथराव लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं? यहाँ कुछ नहीं, ये देखो ना, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ ना, जो भी कुछ हुआ होगा उधर, यहाँ कुछ नहीं, हम लोग यहीं बैठे काम कर रहे हैं। इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि आप हिंदू हैं और आप ही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, जो भी कुछ हुआ होगा उधर हम लोग को पता नहीं, हम लोग रात के आए किस तरह के ऐसे हुआ, तो अपना घर चले गया क्या करते? हाँ जी, हाँ जी, आप कोई बात नहीं। अच्छा,